अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाक अहमद है। मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी एज 30 ईयर है और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर और जो है मोबाइल हार्डवेयर करता हूँ, रिपेयर करता हूँ। मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि जो है मैं एक बेड से दूसरे बेड पे नहीं जा पा रहा था, और लेकिन मेरे भाई वगैरह इधर से उधर लेके जाते थे। मैं एक बेड से दूसरे बेड जाने के लिए जो है रोता था। आदमी को चलता था तो आदमी देखता था तो उसको रोता था मैं बैठ के कि आदमी कैसे चल ले रहा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और जो है मैं कहीं भी जाना हो, चाहे वो दूसरी एक दूसरी जगह चेंज करनी हो या लेटरिन पेशाब जाना हो, तो मैं दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। हमको भाई वगैरह कि आ जाएं अभी, फिर वहाँ पे लेके जाएंगे, बहुत ढेर सारी दिक्कत हो गई थी। और एक दिक्कत और भी थी कि मैं अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पा रहा था, यहाँ तक कि रोटी भी नहीं तोड़ पा रहा था। तो मेरे अम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन सब लोग हमको जो है रोटी तोड़ तोड़ के खिलाते थे, चम्मच से खाना खिलाते थे। मैं चम्मच भी नहीं उठा पा रहा था उस टाइम पे कि चम्मच से उठा के खाना खा लूँ। बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था और वो ये बोले थे कि जो है आप कभी चल नहीं सकते, आपको स्ट्रेचर और व्हील चेयर लेनी पड़ेगी, हमेशा ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। मेरे घर वाले साथ दे रहे हैं, ये इतना बहुत है मेरा मेरे लिए, और बहुत साथ देते हैं मेरे भाई बहन, सबसे बढ़ के भी सबसे बढ़ के हैं मेरे लिए वो। मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, और अल्लाह करे सबको ऐसे भाई, ऐसे बहन और ऐसे माँ बाप सबको मिले जो है हर चीज़ सोच के रोता था मैडम कि मैं की नहीं कर पा रहा हूँ, ये होते तो ऐसा ना होता। अब्बू के बारे में सोच के रोता था कि अब्बू होते तो ऐसा ना होता मेरे साथ, आज ऐसा 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 होता ही नहीं है, बीमारी न पड़ता जो है, हर चीज़ सोचता हूँ मैडम। लखनऊ आया तो वहाँ पे दिखाया डॉक्टर को, तो लोग बाइस भी वगैरह अपना किए तो बताया प्रोटीन आ रही है इसलिए जो है ऐसी दिक्कत है, ठीक हो जाओगे। लेकिन वो दवा जब चलाया स्टेरॉइड तो ठीक नहीं हुआ, वो 20 मिलीग्राम स्टेरॉइड चलाए थे, और उसके बाद बोले कि एक महीना ये चलेगी, एक महीना खाने के बाद मेरी कंडीशन और ख़राब हो गई स्टेरॉइड। तो मैं हमें वो लिख दिए नहीं 20 मिलीग्राम जब स्टेरॉइड चलाए, तो फिर उसके बाद जब दूसरे मंथ दिखाने उनको गए तो 50 मिलीग्राम वो चला दिए। 50 मिलीग्राम चलाने के बाद मेरी कंडीशन एकदम ख़राब हो गई, मेरा हाथ मेरा पैर सब भूल गया, एकदम सूजन बढ़ती चली गई, सूजन उतरी नहीं रही है। तो वो जवाब दे दिए कि दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, फला हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिए कि यहाँ पर जाओ, इस डॉक्टर इन डॉक्टर को दिखाओ। तो वहाँ पर गया तो वो डॉक्टर भर्ती नहीं ले रहे थे, तो फिर बहुत कहने पे सुनने पे लिए, तो वो अपना ट्रीटमेंट चालू किए, एक साल ट्रीटमेंट लिया वहाँ का, लेकिन कोई रिलीफ नहीं। फिर इंजेक्शन के लिए बोले, इंजेक्शन से वो भी बोले कि बेटा इसमें कोई इलाज नहीं, इसका सिर्फ इंजेक्शन एक ही सहारा है और कोई दवा चला नहीं सकते। तो इंजेक्शन काफ़ी महंगा था, करीब उसमें जो है 5 लाख रुपए के लमसम लग जाता, सब ट्रीटमेंट अस्पताल का लेके, और जो है वो करीब 2 लाख रुपए इंजेक्शन का बताए थे, और जो है उसका जो दवा वगैरह हर चीज़ वगैरह 5 लाख रुपए कम से कम बताए थे कि 5 लाख रुपए में आपका जो है इलाज हो पाएगा। तो मैं वहाँ से आया, मेरे दोस्तों ने कहा नहीं वो नहीं कराना है। मेरे पास एकदम, मैं इस कंडीशन से गुजरा हूँ कि मैं सोचता था कि मैं
जो है मेरी मौत की नहीं हो जा रही है, इतना ज़्यादा जो है मैं इतना ज़्यादा वो जो है हो गया था, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। डॉक्टर पुनीत धवन का जब देखा तो यहाँ पे आया, मुझे भरोसा नहीं होता था क्योंकि डॉक्टर लोग मना करते थे कि आयुर्वेदा आयुर्वेदिक दवा मत खाओ। इससे पहले मैं आयुर्वेदिक दवा कर चुका था काफ़ी, लेकिन हमें कोई दवा कोई रिलीफ नहीं मिला। मेरे घर वालों ने तो मतलब फिर बोले कि नहीं आप जो है एक बार सर को दिखा लो, एक बार सर को दिखा लो, अगर नहीं आराम मिलेगा एक महीने के बाद इंजेक्शन लगा लेना। सर के बारे में मैं यूट्यूब में पहले एक आदमी से सुना था, फिर उसके बाद जो है यूट्यूब में देखा, सारा देखता रहा, कई काफ़ी दिन से सर के बारे में जानता था। तो जो है मैं बोला ठीक है, तो ये लोग अपना लेके आए। मैं आने के कंडीशन में नहीं था उस टाइम मैडम, लेकिन वो लोग किसी किसी तरह 3-4 लोग अपना लेके आए कंधे पे उठा के। तो डॉक्टर बोले कुछ नहीं, जो है आराम हो जाएगा। तो जब 10 दिन के बाद हमको खुद ही लगा, जो है सर का ट्रीटमेंट लेने के 10 दिन बाद हमको खुद ही लगा कि कुछ एनर्जी आ रही है हमारे बदन में। फिर धीरे धीरे जो है जैसे सर बताए थे वैसे फॉलो करता रहा, डाइट वगैरह योगा वगैरह जो भी बताए थे मैं फॉलो करता रहा। सर की दवा लेने के बाद हमें बहुत रिलीफ मिला, वो हम खुद ही जान सकते हैं कैसे हमें रिलीफ मिला, जो है किस कंडीशन पे थे और किस कंडीशन पे आज आ चुके हैं। ये मेरी रिपोर्ट्स हैं 13 मार्च 2019 की। इसमें प्रोटीन आती थी 500 मिलीग्राम और अभी मैं लेटेस्ट रिपोर्ट कराया हूँ जिसमें प्रोटीन्स मेरी है निगेटिव, एकदम नील। इसकी तारीख है 25/11/2020 की। जो है काफ़ी हद तक रिलीफ हुआ। आज मैं जो है पहले तो मैं इम्प्रूव हुआ और फिर मैं वॉकर लेके चला, फिर आज मैं स्टिक लेके चल रहा हूँ, स्टिक भी छोड़ के चल लेता हूँ जो है थोड़ा बहुत। और जो है सर बोले हैं कि थोड़ा ट्रीटमेंट कराओ एकदम ठीक हो जाओगे, तो मुझे विश्वास है मैं ठीक हो जाऊँगा। जो है इसका भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा हमको। मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे पेशेंट से कि आप यहाँ पे आएँ और कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लें, और यहाँ पे शिफा है, यहाँ के इलाज में शिफा है। और हमें देख रहे हैं हम एकदम चल नहीं पाते थे, आज मैं चल ले रहा हूँ। मैं जितने भी पेशेंट हूँ मैं किसी को भी देखता हूँ तो यही राय देता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ, सर से मिलें और फ़ोन नंबर उनका लें, फ़ोन करें और सर को दिखाएँ, इनका ट्रीटमेंट लें। और उनको समझाता भी हूँ कि जो है यहाँ का इलाज से आपको शिफा मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। जो है मैं डॉक्टर पुनीत धवन को खुदा का दर्जा तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे कम भी नहीं है, इनके हाथ में शिफा है। मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से ट्रीटमेंट लें, आपको यहाँ पे शिफा मिलेगा। अल्लाह का अगर जो है साथ होगा तो यहाँ पे शिफा आपको मिलेगा। डॉक्टर पुनीत धवन को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह अल्लाह पाक उनको जो है उनके हाथ में शिफा हमेशा के लिए रखे रहें और जो है बरकरार रखे रहें, और जितने भी पेशेंट आएँ उनको शिफा इसी तरह मिलता रहे।